ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 31 अगस्त 2020 मंडे है, सुबह के 8:24 हो रहा है। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, नया वीक शुरू हो रहा है। कल लास्ट वीक में हमने देखा फ्राइडे को एक जबरदस्त तेजी, एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी इंडेक्स में। तो आज क्या ये कंटिन्यू हो सकती है इस वीक, कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल सारे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्राडे लेवल्स को भी देखेंगे कहाँ पर इस वक्त ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल सारे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। तो फ्राइडे को नासडैक करीब 70 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई के लेवल के ऊपर ये बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि फ्राइडे को कमजोरी के साथ बंद हुए, सभी लाल निशान में बंद थे, लंदन मार्केट हो, जर्मन मार्केट हो या फिर फ्रांस मार्केट हो। आज एशियाई बाजार जब ओपन हो चुके हैं तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है फिर से एक बार। एसजीएक्स निफ्टी 62 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेडिंग कर रहा है और निक्केई 446 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो एशियाई बाजार इस समय हरे निशान में ट्रेड करते वक्त नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखिए तो 147 पॉइंट की बढ़त दिखा रहे हैं। तो फिर से एक बार हफ्ते के पहले ही दिन एक पॉजिटिव शुरुआत निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। 61.8% के लेवल के बाद 76.4% का लेवल भी इसने अचीव किया। काफी देर उस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, इस लेवल के पास 10,600 के पास। उसके बाद 100% का लेवल अचीव हुआ। इस लेवल के पास भी इसने कई टाइम यहाँ पर ये स्पेंड हुआ और उसके बाद अभी ये 123.6% के लेवल के आसपास ये जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार इसने 11,750 के ऊपर सस्टेन हो गया तो हमें 12,000 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है ये गोल्डन क्रॉसओवर होगा ही, देखने को मिल सकता है प्रोबेबिलिटीज है। अगर गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो निफ्टी यहाँ से और तेजी से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था और उसके नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिए कैसे ऊपर प्राइस एक्शन में भी कंटिन्यूज हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को तोड़कर उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो फॉर्म हो रहा है। तो ये बुलिश पैटर्न कंटिन्यू लास्ट 7 कैंडल से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर ऊपर इमीडिएट 11,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा, जैसे हमने वीकली चार्ट में देखा 11,750-700 के पास ये जोन आ रहा है। तो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का जोन आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करें। अगर हम आर्ली चार्ट को देखें, ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट में फ्राइडे को जो हमारा ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था इसके ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ही ये ट्रेड करते रहा। तो जो हमारा प्री प्लान था फ्राइडे का उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई फ्राइडे को ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जो हमारा ब्रेकआउट और फर्स्ट टारगेट था उस लेवल के ऊपर ये ओपन हुआ। तो यहाँ पर अगर देखे आर्ली चार्ट में अगर प्राइस एक्शन को आरएसआई के साथ कंपेयर करें, यहाँ ऊपर प्राइस एक्शन है और नीचे आरएसआई है, तो आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन में लगातार हायर हाईज बन रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर नीचे आरएसआई में देखें तो अभी यहाँ पर लोअर हाईज बनना शुरू हो गया है।
आर्ली चार्ट में, डेली चार्ट में कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन आर्ली चार्ट में ये लोअर हाइज बना रहा है आरएसआई, तो थोड़ा कॉशियस रहना होगा। यहाँ से ऊपर के लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, यानी आरएसआई अलग बिहेव कर रहा है और प्राइस एक्शन अलग बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना यहाँ पर जरूरी होगा डेली चार्ट में। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 11,700 के पास ये रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी होगा। तो ये है डेली वीकली चार्ट का एनालिसिस। 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं 11 बजने के बाद जो ये ड्यूरेशन है, इस रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, ऊपर 11,700 के नीचे, और नीचे अगर ये बात करें तो यहाँ पर 11,632 के आसपास इसने एक जोन बनाया। अभी इस रेंज के बीच में ये कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 आवर्स ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो गया। तो अगर निफ्टी इंडेक्स अगर ओपन होता है और 11,692 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,710, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,727, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है और 11,632 को ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,617, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,596, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।